नमस्कार दोस्तों, आपने पानीपत का नाम जरूर सुना होगा। पानीपत जिसने भारत की राजनीतिक दशा और दिशा दोनों को प्रभावित किया। जहां पानीपत के पहले युद्ध में बाबर को भारत की राजनीति में प्रवेश करने का मौका मिला, वहीं पानीपत के दूसरे युद्ध में बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य बनाने का मौका मिला, और वहीं पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे जो भारत में मुगलों के उत्तराधिकारी हो सकते थे उनके सपने धराशायी हो गए। मन में सवाल यही आया कि पानीपत ही क्यों। तो पानीपत के मैदान में आक्रमण होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं, भारत में जितने भी आक्रमणकारी आए हैं अंग्रेज़ों के आने के पूर्व, वो सब वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया से या फिर वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, और वहाँ से भारत में प्रवेश करने का जो रास्ते हैं वो है पंजाब साइड, जो पहाड़ हैं वहाँ पर स्थित दर्रे। तो उन्हीं दर्रों के माध्यम से ये लोग भारत में प्रवेश करते थे। ऊपर से कि उन्हें ऊपर कश्मीर है, ऊपर बड़े बड़े हिमालय हैं, बड़े बड़े हिमालय से आप सेना को अंदर नहीं ला सकते, और नीचे की ओर पड़ता है पंजाब, नीचे की ओर पड़ता है पूरा रेगिस्तान, उन रेगिस्तानों के माध्यम से भी आप बड़ी सेना को आप नहीं ला सकते। इसीलिए भारत में मध्य एशिया या फिर पश्चिम एशिया से होने वाले स्थलीय अटैक का जो रास्ता था वो पंजाब था। इसीलिए भारत में समय समय पे बहुत सारे आक्रमण हुए, पर्शियंस के आक्रमण हुए, ग्रीक के आक्रमण हुए, आपने नाम सुना होगा सिकंदर महान का आक्रमण उसी रास्ते से हुआ है, ठीक है। उसके बाद इंडो ग्रीक्स का, शको का, हूण का, उसके बाद तुर्की आक्रमणकारी, मंगोल आक्रमणकारी, उसके बाद मुगल आक्रमणकारी, अफगान आक्रमणकारी समय समय पे भारत की राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं इसी पंजाब से। और जब ये बात दिल्ली में बैठे किसी शासक को पता चलती थी कि विदेशी सेना पंजाब तक पहुंच गई है, तो वो भी सेना अपनी भेजते थे हरियाणा की तरफ। कोई भी राजा नहीं चाहता है कि दुश्मन की सेना राजधानी तक पहुंचे, ताकि अगर कोई अनहोनी घट जाती है आपका राजधानी सेफ रहे और आपके पास बैकअप रहे भागने का। इसीलिए सेना को बाहर की ओर रोकने की कोशिश की जाती है। इसीलिए आप देखिए जितने भी दूबे हैं वो पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा में स्थित हुए हैं। सारे के सारे युद्ध, चाहे बैटल ऑफ तराइन हो, बैटल ऑफ पानीपत हो, इत्यादि बहुत सारे युद्धों को आप देखेंगे तो उसी मैदान में हुआ है। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके समझ में आया होगा कि पानीपत ही क्यों।